हाय रिमन, जो लोग इंडियन आर्मी भर्ती के लिए जाना चाह रहे हैं, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए जो जो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है वो सर्टिफिकेट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको पहला चाहिए एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड जो होता है वो एडमिट कार्ड डेफिनेटली आप लोग कैरी करना चाहिए। और उसी के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो ऑनलाइन किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोग कैरी करना चाहिए। उसके साथ साथ में आपका स्टडी सर्टिफिकेट, आप जो क्लास तक जो कक्षा तक आप लोग पढ़े हैं या टेंथ या इंटर या डिग्री ऐसा कुछ जो भी पढ़ाई कर चुके हैं उसका स्टडी सर्टिफिकेट डेफिनेटली कैरी करिए। और आप उसका मेमो जो भी होता है, आप लोग टेंथ पढ़े या इंटर पढ़े या डिग्री जो भी कुछ पढ़ाई पढ़े होंगे आप, उसका ओरिजिनल मेमो भी आप लोग कैरी करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में 8 पासपोर्ट साइज फोटोज भी आप कैरी करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड भी ओरिजिनल चाहिए। और उसके साथ में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। कैस्ट सर्टिफिकेट जो होता है, कैस्ट सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल चाहिए। उसके साथ साथ में 8 पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए। ये पूरे डॉक्यूमेंट आप डेफिनेटली कैरी करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ में अगर आपके साथ कुछ भी स्पेशल रिजर्वेशन यानी कि NCC यानी कि स्पोर्ट्स ऐसा जो भी स्पेशल रिजर्वेशन होता है, अगर आप लोग के पास सर्टिफिकेट है तो वो भी सर्टिफिकेट आप लोग रैली में लेना चाहिए, ठीक है ना। जो भी लोग ये हम लोग का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन होती है लेंथी नहीं लगाते, शॉर्टकट में ब्रीफ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वही ध्यान से हम लोग वीडियो लगाते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी मार दीजिए। अगर आप लोग को पसंद नहीं है डेफिनेटली डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप लोग दूसरे स्टेट से हो, जो भी स्टेट होता है, अगर आपका स्टेट का नाम भी हम पर मेंशन करने से हम लोग को भी मोटिवेट मिलता है कि अरे ये स्टेट तक हम लोग का वीडियो गया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।